को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको यमी चिकन व्हाइट हंडी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने एक न्यू व्लॉगिंग चैनल राना दिल अहमद के नाम से स्टार्ट किया है, जिसमें आप हमारी डेली रूटीन जान सकते हैं। इसको भी उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह आपने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया। इसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि चिकन व्हाइट हंडी में हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं रिक्वायर होंगे। इसमें आमतौर पर जो है चिकन वो बोनलेस इस्तेमाल होता है, लेकिन आज मैंने रेगुलर चिकन इस्तेमाल किया। इसमें बोनलेस भी है, हड्डी वाला भी मिक्स है। ये हाफ के जी जो है वो मैंने चिकन लिया है, 1 कप जो है मैंने योगर्ट लिया है, 1 कप के करीब मैंने जो है वो बलाई ली है क्रीम। आप किसी भी अच्छी कंपनी की क्रीम यूज कर सकते हैं। ये फ्रीजर में थी तो मैंने इसको निकाल कर रख लिया। इसके साथ ये लहसुन का 1/2 चम्मच, अदरक 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, और नमक जो है वो हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और इसके साथ मैंने 2 सब्ज मिर्चें ली हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से पकाना है। मैंने 1/2 कप जो है इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो चिकन शामिल करेंगे। ये देखिए हमें इसके अंदर जो है वो चम्मच चला रही हूं। अब साथ ही मैं इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी। अब हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून अदरक, 1/2 टेबलस्पून जो है वो हम लहसुन ऐड करेंगे और इसको साथ साथ इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसे मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। जैसे ये व्हाइट कलर का चिकन होगा, हम इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखें मैं नमक शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। इसको मजीद हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। दो से तीन मिनट हो चुके हैं और मैं इसके अंदर, ये मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ये आप देख सकते हैं, हमें इसके अंदर शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसके काले मिर्च शामिल करूंगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च का शामिल करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, लेकिन हम अंदर अंदर हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएंगे। ये हमने अब कवर करके इसको रख दिया है। 2 से 3 मिनट हम यूं ही इसको बंद करके रखेंगे और अंदर चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखो व्यूअर्स, दही ने अपना पानी छोड़ा है। जैसे इसमें से पानी खुश्क होगा तो हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद ये घी छोड़ेगा तो फिर साथ ही हम आखिर पर मलाई डाल देंगे, क्रीम। ये दोबारा हमने इसको कवर कर दिया। ये अब देखें जी, इसने पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का इसने घी भी छोड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसको मजीद 2 से 3 मिनट भूनेंगे। जब ये अच्छे से घी छोड़ेगा तो अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। इसने घी मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। अब मैं आखिर पर, ये देखें इस तरह से इसके अंदर सेंटर में ये क्रीम रख दूंगी।
और अब दोबारा मैं बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ूंगी। जैसे ही इसमें मिक्स होगी हमारी जो डिश है वो रेडी हो जाएगी। मैंने हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स, आप जो हमारी व्हाइट हांडी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं लास्ट पर इस पे हरी मिर्च जो है मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया, इसको मैं गार्निश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।